आपने कच्ची हल्दी तो बहुत देखी होगी लेकिन पौधा नहीं देखा होगा, तो आज मैं इसका पौधा दिखा रही हूँ। देखो ये कच्ची हल्दी का पौधा है, इस तरह से लगी होती है कच्ची हल्दी, आपको दिख रही है इस तरह से हल्दी का पौधा है। इससे ही हल्दी बनती है, कच्ची हल्दी कहते हैं इसको। ये निकाल के अदरक की तरह कच्ची हल्दी को ही पकते हैं, यहाँ पे राजस्थान में बहुत होती है। मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है गमले में। ये हमारा केल है पीछे, ये कच्ची हल्दी है, देखो दोनों में कितना अंतर है। तो ये आज मैं कच्ची हल्दी की रेसिपी लेके आई हूँ, आप मेरा पूरा वीडियो देखें। चलिए फिर ये जरसाइती पौधा रखते हैं छठ की पूजा में, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है, घर में लगाना अच्छा होता है। हेलो फ्रेंड्स, ममता क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए हल्दी की सब्जी लेके आई हूँ, ये बहुत ही फ़ायदा करती है। ये हमारे कफ को दूर करने वाली होती है, बुखार में हमारे ब्लड को साफ करने वाली होती है हार्ट के लिए, और ये हेल्दी तो है ही सही। 3-4 दिन एक फ्रिज में बना के रख लें, ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरी पूरी वीडियो देखें, और अगर पसंद आती हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हमारी ये लाजवाब टेस्टी हेल्दी सब्जी। इसके बहुत सारे आइटम बनते हैं, अचार भी डलता है इसका। ये हमारी कफनाशक होती है और ये हमें सर्दी बुखार जुकाम इन सब चीज़ों से बचाती है। हल्दी का दूध पिए हैं, ये हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, हमारे शुगर लेवल को भी सही रखती है। तो ये हमें हल्दी खाना चाहिए, 6-7 महीने आती है सर्दी, तो ये फ़ायदा करती है। इससे बुखार वगैरह भी सही होता है और ये जोड़ों के दर्द के लिए सब में ही फ़ायदा करती है। तो इसको हम इस तरह इसको धो लिया है, मैं से छिलका उतार दूँगी, इस तरह से मैं इसको सारी छील देती हूँ और इसको थोड़ा सा हम इसके रस को नमक डाल के थोड़ा सा गुनगुना करके पिला दें तो सर्दी जुकाम इसका खांसी होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत फ़ायदा करती है हल्दी, हर तरह से हमारी जो इसमें ज़्यादा गुण होते हैं उसका पेस्ट बना के रख लें हल्दी का, तो हम अपनी सब्जियों में 1-1 चम्मच करके डालें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हल्दी और कच्ची हल्दी जोड़ों के दर्द के लिए, तो पेट की बीमारियों के लिए, लिवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और इम्यूनिटी तो बढ़ाती है। हमारी रसोई में हम रोज़मर्रा में खाते हैं, इसको छील के फिर मैं आपको पूरे बताती हूँ। तो मैंने इसको छील लिया है, अभी 1-2 दिन की हो गई लेकिन ख़राब नहीं होती। इस तरह से अगर छिलका सहित रहे, जैसे पड़ी रहे, बाहर ही पड़ी रहती, तो हमें जब ज़रूरत है हम इसको काटेंगे और बना लेते हैं, तो बहुत दिन तक ख़राब नहीं होती। कच्ची हल्दी का पाउडर ही बना रखा है मैं इसके घर में, मैं इसी हल्दी का पाउडर यूज़ में लेती हूँ। मैं आपको इसकी रेसिपी भी डालूँगी कि बाज़ार में इतनी मिलावटें आती हैं, तो हम घर में अपनी ताज़ा चीज़ बना के खा सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छी तरह धो लिया, प्याज लहसुन काट लेती हूँ गैस पे, जब तक मसाला भुनेगा तो मैं इसको फिर कद्दूकस कर दूँगी। ये हमने 2 प्याज कद्दूकस कर लिए, 2 टमाटर हैं, बड़े साइज़ के प्याज हैं, बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ये थोड़ा सा टुकड़ा हमने अदरक का करा है, ये हरी मिर्ची है, थोड़ा सा 8-10 कली लहसुन की, तो इसको भी हम एक साइड में कर देते हैं और इसको भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसको मैंने बड़े वाले इससे काटा है, हमें बारीक टुकड़े या तो बारीक बारीक काट लें, ज़्यादा बारीक नहीं करनी, इस तरह का ही चाहिए हमें। तो ये उसमें बारीक बारीक हो रहा था तो मैंने इससे थोड़ा बड़ा इसको कद्दूकस किया है। ये बहुत अच्छी लगती है, इसका अचार भी डलता है, अचार भी बहुत अच्छा लगता है बारीक बारीक टुकड़े काट के। ये बहुत फ़ायदा करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, हमारे हार्ट के लिए सर्दी जुकाम बुखार सबसे बचाती है, गर्म होती है इसकी तासीर। तो इसको मैं आप, ये हमारी कद्दूकस हो गई, ये मैंने पूरा कस दिया है, ये देखो मेरे हाथ भी कितने पीले हो गए। ये 2-3 महीने छोड़ दिए, इसकी मैं नींबू में डाल के बनाऊँगी 1 पाव के करीब। अब हम गैस की ओर चलते हैं, गैस ऑन कर दिए हम। 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक चाहिए होता है, तो मैं 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें तेल डाल दिया है। इसको गर्म होने देते हैं, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच दाना मेथी डालेंगे, 1/2 चम्मच हम जीरा डालेंगे और 2 तेज़पत्ते। ये गरम मसाला कूट के रखें, 3 से 4 काली मिर्ची है, 3 से 4 लौंग है और इसमें 1 मोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम अपना कटा हुआ लहसुन डालेंगे, इसको गुलाबी होने देते हैं। अब इसमें हम ये प्याज निचोड़ के डालेंगे, इसको इस तरह निचोड़ेंगे, इसका जो रस है जल्दी भुन जाएगा हमारा प्याज, इसको गुलाबी कर लेते हैं। अब तो हल्दी सब जगह ही मिलने लग गई, इसी में हम आप अदरक डाल देंगे, अदरक को भी कस लिया था, इसी में हम हरी मिर्ची डाल देंगे,
भून लेते हैं अच्छी तरह। अब एक कटोरी लेंगे, इसमें हम अपने इस रस को इसमें पलट देंगे। प्याज का रस निचोड़ा था वही है, इसमें मसाले डालेंगे हम। हल्दी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हल्दी पहले से ही, स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे। तो मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया, 2 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालूंगी और इसको गलने देती हूँ। इसको चम्मच से मिला देंगे जब तक हमारा प्याज भुन रहा है, ये गल जाएगा। हमारा प्याज भुन चुका है, इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे। अगर इसके मोटे पीस होते हैं तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हमारी बारीक है हल्दी इसलिए हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। हमारा मसाला हो चुका है, कद्दूकस करे थे हमने टमाटर, 2 टमाटर हैं, इसको ही भून लेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी। गैस को हम स्लो ही रखेंगे, उसी पे अच्छा मसाला भुनेगा। राजस्थान में बहुत खाई जाती है, हर तरह की बनती है, अचार सब्जी, ये बहुत ही लाजवाब बनती है सब्जी। गरम मसाले का टेस्ट वो फ़ायदा करती है हमारी हेल्थ के लिए। तो भुनने देते हैं, थोड़ी देर ढक देंगे। देखो मेरे हाथ भी कितने पीले हो गए, चेहरे पे लगा तो झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसको देख लेते हैं, डाल देंगे। धीमी आँच का जो मसाला भुनता है उसका टेस्ट भी अलग ही होता है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है मसाले की, अच्छी तरह पक जाता है मसाला। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है। इसको कवर कर देंगे, खोल के देख लेते हैं हम। हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरह बनी है। अब इसमें हम एक अच्छी तरह चला देंगे इसको, एक बार जगह बनाएंगे। अगर तेल हमारा कम हो तो हम थोड़ा सा ऊपर से गर्म करके भी डाल सकते हैं। 2 छोटे चम्मच इसमें दही डालूंगी। अगर आपको ग्रेवी की बनानी है तो ग्रेवी की बना सकते हैं। 2 चम्मच मैंने ये दही डाल दी, इसको मैं भुनने देती हूँ क्योंकि हम पहले डाल चुके हैं खड़े गर्म मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया। इसको अच्छी तरह भुनने देते हैं, एक बार चला देंगे। और हमारी सब्जी जो मिक्स हो जाती है, अलग अलग नहीं रहती, वो इसकी दही का जो सौंधापन है बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो इसको हम एक बार ढक देंगे और धीमी आंच पे और पकने देते हैं। इसको दबा दबा के इस तरह हम इसको बना लेंगे। ये हमारी दब चुकी है, बहुत जल्दी गल जाती है। खड़ी खड़ी हम काटते हैं ना टुकड़ों में तो बहुत मुश्किल से गलती है। इस तरह हम इसको एक बार इसको और ढक देंगे और धीमी आँच हम कर देंगे। देख लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सोने सोंधी। ये तेल भी छोड़ दिया है हमारी हल्दी ने, दही की गरम मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। अब इसको हम सर्व कर देते हैं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी सब्जी, खाने में भी उतनी टेस्टी है। रोटी संग, पूड़ी के संग, पराठे के संग किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इस तरह खाएं या इसको गाढ़ी ग्रेवी की बना लें, दोनों ही अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। अभी जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।